अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सारे नाज़रीन खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई सारे खैरियत से होंगे। जो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं उनको मैं वेलकम बोलता हूँ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वह सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो आज जो मौजू है वो मौजू है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा धचका लगने वाला है उन लोगों को, उन भाइयों को जो सिर्फ यूट्यूब से ही आमदनी कमा रहे हैं और उनके पास कोई ऐसा मिसाल के तौर पर कोई और कारोबार भी नहीं है जो वो करें, सिर्फ यूट्यूब से ही कमा रहे हैं पैसे। तो दोस्तों बात तो बड़े दुख की है कि यूट्यूब बैन हो रही है पाकिस्तान में। जैसा कि पहले टिकटॉक के बारे में पबजी बैन हुई, उसके बाद टिकटॉक का भी सुन रहे हैं, तो ये यूट्यूब वो भी मतलब सुन रहे हैं कि ये भी मतलब बैन होने वाली है। इसी के हवाले से बात कर रहे हैं हम कि मतलब अगर बैन हो जाती है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, उन भाइयों को, मतलब जो हाई लेवल पर इस वक्त इस YouTube के अंदर काम कर रहे हैं, काम सिखा रहे हैं लोगों को, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम सिखा रहे हैं। तो बात तो दुख की है अगर ये बैन हो जाती है तो। दूसरे नंबर पर अगर फिर भी आप चला सकते हैं उसका भी मैं तरीका शेयर करूंगा, लेकिन अगर बैन हुई तो फिर हम इसका सलूशन निकाल लेंगे कि हम किस तरह इसको चलाना है, मतलब चलाएँ किस तरह नहीं चलाएँ, वो भी सारा तरीक़ेकार बताएँगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप अपने कंटेंट पर ज़्यादा गौर किया करें, सिर्फ वो कंटेंट की वजह से मतलब बैन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू मेरा ख्याल जो है ना लोग ज़्यादा सब फार सब पे जाते हैं, इसलिए क्योंकि कंटेंट पे तवज्जो किया करें, ऐसे मतलब ज़्यादा शेयर ना किया करें, और सब फार सब पे लेने पर भी मसला बन सकता है। फिर मतलब कोई और तरीके से मोनेटाइज करवाना के शार्ट तरीक़ों से, कि मिसाल के तौर पर अगर जैसा कि कुछ लोग अपने ही दूसरे तीसरे मोबाइलों से प्ले करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये अलग अलग आईपी से अगर वॉच हो वीडियो उनके हिसाब से तो फिर वो चलता है, वरना ऐसे उनके मतलब एल्गोरिथम के मुताबिक हर चीज़ उनके पास जमा होती है। फिर अगर कोई भी मिसाल के तौर पर ऐसा जो भी काम होता है तो उनके पास एप्लीकेशन जाती है, तो इसी की वजह से भी मतलब ये, और उसके बाद जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो वो ना बोलें, कुछ मतलब इससे कंट्रोल करें, शायद ये बैन होने से बच जाए। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला से कि ये बैन ना हो, क्योंकि अगर बैन होगी तो बहुत सारा कारोबार जो है ना मतलब बंद हो सकता है उन लोगों का जो इस YouTube की मदद से सिर्फ अपना घर चला रहे हैं, या फिर और भी उनके साथ काफ़ी मतलब घर चल रहे हैं जो लोग उनके साथ जॉब करते हैं, वीडियोस वगैरह बना के देते हैं, या फिर वो वीडियोस खरीदते हैं अपने चैनल पर लगाते हैं, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब पैसा कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। यूट्यूब सिर्फ एक मतलब कि इंटरटेनमेंट का जो है ना नहीं प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो भी आप चीज़ यूट्यूब पर सर्च करते हैं वो सबसे पहले आपको आसानी से मिल जाती है और किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हो तो बहुत बुरा रहा है कि यूट्यूब बंद हो रही है, खैर कोई मसला नहीं, अगर ऐसे हो गया तो इसका सलूशन भी निकल आएगा पाकिस्तान में, खैर करे जो सलूशन तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी जो सही तरीका होता है वह सही से होता है तरीका। तो अगर बंद हो गई सबसे पहले मिसाल के तौर पर जो इससे बड़ा अफेक्ट पड़ेगा, बैड अफेक्ट वो पड़ेगा मतलब उन लोगों का ऊपर जो इससे अर्निंग कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, क्योंकि ये बंद होगी तो उनका एकदम से कारोबार ये बंद हो जाएगा, फिर उनके बाद मतलब काफ़ी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो मेरी तो मतलब ये दुआ है कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये भी मतलब कहना है कि बंद नहीं होनी चाहिए यूट्यूब, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को, ऑनलाइन तालीम सीखते हैं, कोई अपना हुनर सीख रहे हैं ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटराइज के बारे में, कोई वीडियो एडिटर के बारे में, सारे काम इसी यूट्यूब के अंदर वीडियो के ज़रिए ऑनलाइन सिखाए जा रहे हैं,
तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये अच्छा हो रहा है यूट्यूब बैन हो रही है जो, या फिर मिसाल के तौर पर नहीं ठीक हो रहा। तो इसी तरह अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो नए दोस्त हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री होता है, कोई भी उसका चार्जेस नहीं लगता। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो क्योंकि आज हमने बात की है कि यूट्यूब बैन हो रही है, पहले पबजी बैन हुई, उसके बाद मतलब कि टिकटॉक का सुना, अब तीसरे नंबर पर जो है ना यूट्यूब को रख दिया उन्होंने। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो पूरी देख लिया तो शुक्रिया, थैंक यू, ओके बाय, खुदा हाफिज़।